आपसे डिस्कस करूंगी। चलो अभी कर यस लेते हैं मैम, आपके यस साथ मैम, में। यस ओके मैम, यस मैम, यस मैम, चलो श्योर, चलिए स्टार्ट करेंगे जहां से मैंने आपको बीएनएस का, वहीं से ले रही हूँ। और जिसको भी रहेगा थोड़ा सा डाउट तो मुझे थोड़ा जोर से पूछना, क्योंकि बैकग्राउंड में मुझे बहुत प्रॉब्लम है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, ये वर्ड जो है इन्वेस्टिगेशन, ये प्रोसीडिंग्स अंडर संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब यहाँ पे देखो, अभी भी इन्होंने साक्ष्य नहीं करते हुए इसको अभी भी वैसा ही एविडेंस ही रखा है, ठीक है। कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज बाय द मैजिस्ट्रेट इन हिज बिहाफ। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो प्रोसीडिंग्स होती है यहाँ पर, क्या इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि एविडेंस को कलेक्ट करना, ठीक है। एविडेंस को जब कलेक्ट किया जाता है बाय अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा कि अरेस्ट बाय अ पर्सन भी होता है, तो इन्वेस्टिगेशन बाय एनी पर्सन भी होता है, ठीक है। जहां पर मैजिस्ट्रेट किसी को अपॉइंट करता है इन्वेस्टिगेशन, अभी देखो क्राइम ब्रांच है, ठीक है, सीबीआई की जो टीम है, क्राइम ब्रांच जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्राइम ब्रांच में ऑफिसर्स कौन होते हैं, वो कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, या केस जो है वो ईडी को दिया जाता है, तो वो ईडी को केस कब दिया जाता है, जब इकोनॉमिक ऑफेंस होता है। ना व्हाट इज एन इकोनॉमिक ऑफेंस, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें बेल तो दूर की बात है, वो हायर लेवल ऑफेंसेस होते हैं जिसे हम लोग ईडी कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें बेल के लिए जहां पर सीबीआई जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे हम लोग उस दिन आसवानी का एक केस डिस्कस कर रहे थे, आपने सुना था जब मैंने आपको कहा था कि दिस इज द केस जहां पर बैंक का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपको ये समझना है कि बैंक का एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, यानी कि जो बैंक के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक्स वाई जेड पर्सन को लोन देते गए, ठीक है। जो लोन प्रोवाइड करते गए उसमें क्या किया उन्होंने, जैसे आपको पता है कि वाइल गिविंग लोन उनको कहीं ना कहीं पार्टी से उनकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, तो उन्होंने क्या किया, समझो मुझे लोन लेना है, मैंने पेपर्स दिखा दिए रीना मैडम के, ठीक है, और मेरे लोन को पास कर दिया गया। और उसके बाद जब रिकवरी आई, तो रिकवरी के टाइम पर तो रीना मैडम कौन है और मैं कौन, वो तो टोटल डिफरेंस हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए एक एफआईआर बनी। एफआईआर के बाद में क्या हुआ कि ये जो रिकवरी अमाउंट था वो करोड़ से भी ऊपर जा रहा था, और टचिंग द स्काई पैसा जो इंक्रीज होता जा रहा था। तो उसके बाद जैसे डायरेक्टर्स ने क्या उसके अंदर फ्रॉड किया है, किस तरीका का फ्रॉड है, इन्वेस्टर्स ने कैसे किया है, लोन कैसे दिया गया है, कौन से ऑफिसर्स थे जो बैंक के जो लोन प्रोवाइड कर रहे थे, उन सब का डिटेल्स लेने के लिए ईडी को उतारा जाता है, ठीक है। वैसे चलो मैं आपको बता दूं तो ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना, अगर ईडी बैठ जाती है तो वहां पर देखो मैटर पहले क्राइम ब्रांच को दिया गया, क्राइम ब्रांच में भी उस सिचुएशन के अंदर जब क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करते समय उन्होंने ये देखा कि फ्रॉड जो है वो लंबा है, बहुत बड़ा है, उसको कॉम्पनसेशन देते देते ही फंस जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कि फिर उसके बाद में ईडी बैठी, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया, क्योंकि उसमें करोड़ों का फ्रॉड हुआ है, बहुत सारा बड़े इन्वेस्टर्स थे, बहुत सारे बड़े लोग उसके अंदर, यानी कि इवन यू कैन से पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व इन टू इट। ओके ऐसा तो होता नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन जब ईडी बैठती है तो कैसे करती है, क्राइम ब्रांच होती है तो कैसे करती है, पुलिस ऑफिसर होता है तो कैसे करता है, एनी अदर पर्सन होता है तो कैसे करता है। तो दिस इज ऑल द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। तो ये प्रोविजंस के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि स्पेशल एक्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएगी। उसका मतलब क्या होता है, पॉस्को आ गया, रेप केस के अंदर जो सेक्शंस प्रोवाइडेड है उसकी पनिशमेंट जो होगी उसे पहले माना जाएगा,
और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो पनिशमेंट आएगी उसे बाद में दिया जाएगा। ठीक है, हम आगे चल के ये सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए पढ़ेंगे तो आप लोगों को हमेशा के लिए ये एग्जाम्पल के साथ में समझ में आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको बैंक का एग्जाम्पल दे दिया, इन्वेस्टिगेशन बता दिया कौन कौन करता है और किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन होती है। ओके, और कलेक्शन ऑफ एविडेंस का मतलब यही होगा कि जब ईडी बैठेगी तो कौन सा लोन कैसे गया है, फाइल कैसे पास हुई है, अप्रूव कैसे हुआ है, कौन से ऑफिसर ने किस तरीके की ये की है, वो सब चीजें उसमें आ जाएगी। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर ना। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या इंक्लूड करती है, जैसे देखो ये जो कोज होता है इसके अंदर जो एविडेंसेस होते हैं वो मतलब लीगली उसको ओथ पे लिया जाता है, यानी कि आप लोगों को विटनेस बॉक्स में खड़े रह के ये बोला जाता है कि आप क्या बोलेंगे, भगवान कसम जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह कसम, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, यही होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और इसी को जो विटनेस होता है, अक्यूज होता है, कंप्लेनेंट होता है, उन्हें विटनेस बॉक्स में खड़े रहने के बाद में ओथ पर वो चीजों को बोलना रहता है। ओके, नाउ ज्यूरिसडिक्शन, दिस वर्ड इज टू बी प्रोनाउंस एज ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एरिया। ठीक है, अब तो जैसे 0 FIR होने के बाद में ज्यूरिसडिक्शन का थोड़ा बहुत हट गया है, लेकिन कोर्ट तो ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करता है ना। आपको पता है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पैसों की ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, नाउ वेरी सिंपल एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल योर कि अगर मैं आप लोगों को लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बात करती हूँ यहाँ पर, तो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट जो एक्सरसाइज करते हैं पावर्स, देखो लोकल एरिया में आपके यहाँ पर पता है कि हर कोर्ट्स होते हैं, यानी कि ट्रायल कोर्ट होता है, सुना होगा बिल्कुल, उसके बाद में आपने सेशन कोर्ट सुना होगा बिल्कुल, आपने हाई कोर्ट सुना होगा बिल्कुल, आपने सुप्रीम कोर्ट सुना होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये ज्यूरिसडिक्शन की जो बात आती है, एक तो चलता है पैसों पर, दूसरा चलता है एरिया पर। ठीक है, आप पूना में रहते हो तो पूना की कोर्ट जहां पे होगी आपको वहां कोर्ट में जाकर अपने आप को अपना जो केस है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकल एरिया इन विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल ऑफ इट्स पावर्स, अभी जब कोर्ट बैठती है वहां पर, जिसे हम कहते हैं डायस। डायस का मतलब होता है जहां पर कोर्ट बैठकर फैसला सुनाती है। ठीक है, वो डायस से जो भी फैसला सुनाएगी, यानी कि उसको उस चीज का पावर है, पावर है मतलब ज्यूरिसडिक्शन है। अगर किसी भी मैजिस्ट्रेट ने बिना ज्यूरिसडिक्शन के कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर पास किया है तो उसे कहते हैं नल एंड वॉइड, बिकॉज वो ज्यूरिसडिक्शन के वजह से आपको वो ऑर्डर, आपको वो जजमेंट बिल्कुल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। एम आई क्लियर? इज माई वॉइस क्लियर? प्लीज अपडेट मी यस मैम, यस राजेश। मैम, यस मैम, ओके, यस मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम, नाउ क्लियर, नॉन क्लियर, कॉग्निजेबल ऑफेंस, थैंक यू सो मच। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब वो अपराध है, दैट इज द ऑफेंस जहां पर आप लोगों को बेल मिलती है, लेकिन उसमें क्या होता है, बेल मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है, अवेलेबल, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है, अवेलेबल है। बेलेबल है, और पुलिस अथॉरिटीज को बिना वारंट के आपको पकड़ के जेल में डालने का कोई परमिशन नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके का एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, समझो हमारे यहाँ पर जो गणपति फेस्टिवल चल रही है, ठीक है, इससे पहले आपको पता होगा कि परमिशन लेनी पड़ती है ना कोर्ट से, सॉरी पुलिस ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर मंडल बांधा जाता है जहां पर गणपति जी की स्थापना होती है। तो समझो कि विसर्जन करते समय किसी पुलिस ऑफिसर को, सुन के लेना ये बात, मैं बता रही हूँ, कल का ही इंसिडेंट है, अभी बता देती हूँ। ठीक है,
चलते चलते वहां पर लड़के जो होते हैं, लड़कियां, दे वर डांसिंग इन द ग्रुप, ओके, क्योंकि ऑफकोर्स है गणपति विसर्जन है, लोगों का जो भाव है वो जो भी जैसा भी उनका प्रतीक है वो कर रहे थे, तो लड़के आपस में मस्ती कर रहे थे, तो दो ग्रुप जब आमने सामने आए तो एक दूसरे को गालियां देने लगे, ठीक है। अब उससे चलते समय जो ऑफिसर था उसको धक्का लग गया, वो नीचे गिर गया, ठीक है। लड़के डांस कर रहे थे, लड़के डांस करते समय पुलिस ऑफिसर को धक्का लग गया, पुलिस ऑफिसर नीचे गिर गया, ठीक है। इट वॉज को इंसिडेंट, ठीक है। दूसरा बताती हूँ कि यू नो क्रैकर्स, जिसे हम फटाके कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं क्रैकर्स, ठीक है। आज ऐसा है कि फेस्टिवल है, दिवाली होने दीजिए, कोई भी फेस्टिवल में आपने देखा होगा कि जो क्रैकर्स होते हैं उसका एक अलग ही वे रहता है, ठीक है। क्रैकर्स के वजह से समझो कि ऐसा हुआ कि वो क्रैकर का जो फायर है वो एक घर पे लगा और उस घर में नुकसान हो गया, ठीक है। वो क्रैकर्स वहां पर एक जना नहीं, दो तीन जने साथ में मिलके कर रहे थे, ठीक है। अब किसका क्रैकर वहां पे गया वो पता नहीं है, ठीक है, वो जजमेंट नहीं है किसी को भी। तो यहाँ पर एक पुलिस वाला गिर गया, एक बात। दूसरी बात मैंने आपसे कही, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की ही बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, तो पुलिस वाला क्या करेगा? अगर पुलिस वाला गिर गया, उसको लगा, उसको गुस्सा आ गया, हाउ डेयर यू कि तूने एक पुलिस वाले को गिरा दिया, ठीक है, तो पुलिस वाला क्या कर सकता है? व्हाट द पुलिस ऑफिसर इज सपोज टू डू? उसको राजेश, चाटा भी आपको मार पता है? सकता है, हाँ, उसको मार भी सकता है, या उसको अपनी कस्टडी में भी ले सकता क्यों भाई है। कस्टडी में क्यों लेगा? उसको तो गलती से लग गया ना, कस्टडी में क्यों लेगा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कस्टडी में क्यों लेगा? कॉग्निजेबल थोड़ी है, क्यों कस्टडी में लेगा? जबकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, नो यस अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। उसने तो मैम, पर्पसली किया ही नहीं ना, वो तो डांस कर रहे थे, पुलिस वाला बीच में आकर अपनी अपनी मस्ती करेगा तो उसमें लोग क्या कर सकते हैं? उनकी क्या उन व्हाट इज देयर इशू? उनको तो ऐसा करना ही नहीं था ना। दैट इज हैपेंड कोइंसिडेंटली कि उसने उसको धक्का दे दिया, ही फेल डाउन, और उसको उस बात का बहुत गुस्सा आया कि हाउ डेयर यू, तेरे वजह से मैं गिर गया एंड ऑल। सो इन दिस व्हाट इज ही पुलिस वाला सपोज टू डू? वेरी सिंपल, पुलिस वाला क्या करेगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पुलिस वाला सिर्फ आपके ऊपर केस लगा सकता है, आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके यानी ओके आपको वो केस लगेगा जिसमें आप फाइन भरोगे, ठीक है, और जो ऑफेंस जो आपने किया है कि वो धक्का लगा, तो उसमें तो ऑफेंस ही नहीं होना चाहिए क्योंकि इट इज जस्ट पुलिस पर्सन। उसको धक्का लगने की वजह से उसकी जो एक माइंडसेट हो गया कि हाउ डेयर दिस पर्सन मेरे को धक्का देता है, तो इनिशियली ये चीज के वजह से ही आई एम टेलिंग यू, तो पुलिस वाला कांट अरेस्ट यू विदाउट वारंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पुलिस वाला अगर चाहे तो आपके ऊपर सिर्फ केस रजिस्टर कर सकता है। तीसरी बात, उसके बाद में या तो वो दैट इज बेलेबल, कहीं ना कहीं आप यस जाके उसमें फाइन भर के यू कैन कम आउट, और अगर आपको केस चला के लेना है तो हम लोग उसमें केस चला के भी लेते हैं, लॉयर्स उसमें ये कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यस सिमिलरली, अरेस्ट विदाउट वारंट इज नॉन कॉग्निजेबल। जब पुलिस वाले को पता है कि लड़के डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो ही वॉज नॉट सपोज टू इंटरफियर, ठीक है। अगर वो बीच में आया, उसको लग गया, तो उसने पर्पसली नहीं किया। अगर उसको इतना मैम, ईगो भी आ गया और उसने उस आपके ऊपर केस रजिस्टर कर दिया, तो दैट इज कंप्लीटली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही कैन नॉट अरेस्ट यू, ओके। ओके तो यही मैं मैम, आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। मेरा कलंदर साहब, ठीक है? एक छोटा सवाल है। हाँ, मैं इसके लिए आपके पास ही आई हूँ। हाँ, पिक पॉकेट करता, ब्लैक मार्केट, ब्लैक टिकट बेचते रहता, वो मिल जाता पुलिस वाले को, वो क्या करना उन्हें? ब्लैक टिकट का जो मामला है, आप लोगों को मैंने ये बताया था कि
कि समझो कोई एक लड़का है जो ब्लैक टिकट बेच रहा है, ठीक है, अगर ब्लैक टिकट बेचने का जो ऑफेंस है, ठीक है, वो ऑफेंडर जो है उसको अभी भारतीय नागरिक संहिता के अकॉर्डिंग उसमें उसके ऑफेंस के अंदर उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? हमने क्या पढ़ा था, सी टिकट ब्लैक मार्केटिंग जो है वो देखा जाए तो एक ऑफेंस ही है ना, है ना? इट्स नॉट अ, इट्स जस्ट नॉट अ दिस थिंग, इट इज एन ऑफेंस, है ना, कि आप अगर पिकपॉकेट ब्लैक मार्केटिंग करते हो रेलवे टिकट्स की या जो भी, तो माय सजेशन इज आई विल गिव यू लेटेस्ट जजमेंट इसको लेकर, उसको पढ़ना, देन वी कैन डिस्कस ऑन ब्लैक मार्केटिंग पॉइंट, इवन इफ इट इज अ रेलवे टिकट, इवन इफ इट इज अ सिनेमा टिकट, आई विल गिव यू वन केस लॉ, उसको आप जरूर पढ़े, इट इज अ लेटेस्ट 2019 केस लॉ जो मुझसे आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जुकाला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आई विल प्रोनाउंस द स्पेलिंग ऑल्सो, ZAKAUELLAH, आई अगेन रिपीट, ZAKAUELLAH वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये जजमेंट जो थी ना रिसेंट जजमेंट थी, आई थिंक ये जजमेंट मैंने 2019 की लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों को बताई है, तो करेस्पॉन्डिंगली पहले आप ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक टिकेट्स को जो बेचता है रेलवे होने दीजिए या फिर आप सिनेमा टिकेट्स होने दीजिए, तो उसके लिए ऑफेंस क्या है, पनिशमेंट क्या है, उन दोनों को पढ़ के आने के लिए रीड दिस केस लॉ, ओके, देन वी विल डिस्कस ऑन इट मैम नाउ. केस लो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जब जी जरूर लिखती हूँ, नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, खुला नहीं 2 मिनट्स, आई विल राइट फॉर यू ऑल, डोंट वरी. सी ये केस लॉ है, आई हैव जस्ट पुट इट इन द इनबॉक्स, मैंने चैट बॉक्स में आपको लिख के दिया है, ठीक है, प्लीज मैम नोट डाउन, चलेगा वो। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ. आप लोगों को पता है कि जो भी नोटिफिकेशन आता है, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता जो आए हैं उसकी लेकर उन्होंने नोटिफिकेशन ही तो दिया ना, जिसको लेकर 1 जुलाई पे वो इम्प्लीमेंट हो गया, अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लॉ क्या है, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑफेंस, ऑफेंस मींस एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेन मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट. उस दिन भी मैंने आप लोगों को कैटल ट्रेसपास एक्ट को लेकर बताया था कि व्हाट डज कैटल ट्रेसपास मीन, एनिमल्स को लेकर जो भी ऑफेंस होता है पहले उसके लिए कैटल ट्रेसपास एक्ट था, उसको लेकर उन्होंने इस चीज को डिफाइन करते हुए जो कि सूटेबल डेफिनेशन है हमारे ऑफेंस के अंदर उसको एलैबोरेट करके बता दिया. ऑफेंस का मतलब ही क्या होता है, ऑफेंस का मतलब अपराध, सिंपल, जहां पर कंप्लेन की जाती है, ठीक है, इसीलिए तो ऑफेंस बोला गया है उसको, अदरवाइज व्हाट इज एन ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब ही तो क्राइम है, ऑफेंस का मतलब ही तो ये जो सिचुएशंस है वो ही, उसका ही मतलब ऑफेंस है ना, ऑफेंस होता है तो FIR होती है, ऑफेंस होता है तभी इन्वेस्टिगेशन होती है, ऑफेंस होता है तभी इंक्वायरी होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑफेंस. नाउ नेक्स्ट इज इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर एंड इज अबव द रैंक ऑफ एन कॉन्स्टेबल और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट. अभी देखो यहाँ पर ना इन्होंने पुलिस ऑफिसर जो है, अगर देखो कितनी बार ऐसे होता है कि जजेस अगर एब्सेंट होते हैं तो व्हाट दे डू, दे गिव यू अ डेट ना,
पीओ इज एब्सेंट, टेक अ डेट एंड गो, है ना, आप लोगों ने सुना यस होगा। मैम, अगर यस मैम, ऑफिसर जो होता है वो एब्सेंट होता है तो उसके लिए आप लोगों को डेट दी जाती है, दैट इज द प्रोसीडिंग्स। ऐसा होता है कि पीओ एब्सेंट होता है तो डेट दी जाती है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन ओपन होता है, इंचार्ज कोर्ट। हैव यू हर्ड व्हाट इज इंचार्ज कोर्ट? इंचार्ज कोर्ट का मतलब होता है जो वो पीओ एब्सेंट है उसकी जगह पर उसने चार्ज लेके अपना काम करके देना है उसको। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड वेरी ओपनली, इंचार्ज कोर्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं वैसे ऑर्डर्स पास नहीं करता है जो रेगुलर कोर्ट पास करता है, ठीक है। यस मैम, रेगुलर यस कोर्ट का मैम, मतलब है कि जो कोर्ट हमारा काम करती है, जिसके पास आपका मैटर है वो है रेगुलर कोर्ट। रेगुलर कोर्ट एब्सेंट, मैटर चले जाता है इंचार्ज कोर्ट के पास, इंचार्ज कोर्ट भी वेट करती है रेगुलर कोर्ट के वापस आने का। लेकिन लेकिन यहाँ पर ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन का अगर एब्सेंट है, स्टेशन हाउस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन की बात की जा रही है, वो बीमार है या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है किसी भी कारणवश, द पुलिस ऑफिसर जो प्रेजेंट है स्टेशन में, ठीक है, यानी उसका जोड़ीदार, ठीक है, हु इज इन द रैंक टू सच ऑफिसर एंड अबाउट द रैंक ऑफ कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल के अपर रैंक के अंदर जो ऑफिसर होता है वो उन चीजों को करेगा, रिक्वायर एफआईआर करनी है तो भी करेगा। अगर समझो एनसी बनाना है, जिसे हम नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं ना, जिसमें एनसी बनती है, एनसी का मतलब क्या होता है कि अगर बोल आपको एग्जाम्पल लेती हूँ, एनसी का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पर आप हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड आपको एक मैसेज भेजता है व्हाट्सएप पर जिसमें वो लिखता है कि मैं तुझे कल मार दूंगा, ठीक है, आयुष रखेगा मैं तुझे कल रखेगा मार दूंगा, ठीक है, हाँ इफ दिस काइंड ऑफ ठीक है भैया, आई रिक्वेस्ट एवरी वन नॉट टू ऑन द माइक्स ड्यूरिंग द क्लास प्लीज, इफ देर इज एनी क्वेश्चन पुट योर हैंड्स अप, आई एम गोइंग टू आंसर इट, ओके। चलिए फर्दर बढ़ते हुए, अब जब कोई पुलिस ऑफिसर की बात मैं कर रही थी, और समझो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, एनसी, तो एक हस्बैंड ने समझो अपने वाइफ को ये मैसेज भेजा है कि कल मैं तुझे मार दूंगा, तू तो कल खल्लास, ठीक है, ये शब्द जो आप सुन रहे हैं उसको लेकर अब आप वहां पर पुलिस स्टेशन में जाने चाहिए थे, लेकिन आप 10 दिन तक पुलिस स्टेशन गए ही नहीं, ठीक है, फॉर 10 डेज आप आराम से सो रहे थे, चल क्या करेगा, ठीक है, सडनली आपको कोई मिलता है, वो बोलता है कि यार तेरे तो पति ने तेरी फील्डिंग लगा के रखी है। व्हाट इज फील्डिंग मीन्स? फील्डिंग का मतलब है कि आज नहीं तो कल तेरे को तो मरना तेरा तय है, ठीक है, ऐसा कुछ उसको सुनाई देता है। शी गोज टू द पुलिस स्टेशन, वो अपना मैसेज दिखाती है, बोलती है कि सर मेरे को तो मेरे पति ने ये धमकी दे दी, आप कुछ करिए। पुलिस वाला बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्यों बोल रही है, ठीक है, तो पुलिस वाले को बोलेगी सर ये आपका काम है करने के लिए, तो पुलिस वाला क्या करेगा, उस चीज के जो वर्डिंग्स होंगे आप उसके एनसी में रिकॉर्ड करके उसको एक नोट बना के दे देगा और वो उसको थमा देगा। तो इसका मतलब एफआईआर हुई क्या? नहीं, एक्चुअली एनसी यूज की जाती है प्राइवेट कंप्लेन के लिए, ठीक है। अब जैसे 498A का केस जो है, जहां पर पुलिस 498A का केस रजिस्टर नहीं करती थी, तो यहाँ पे क्या करती थी लेडीज, आपको पता है ना, एनसी करवा देती थी, फिर 156(3) जो कि अभी 175(3) बन चुका है, आपको तो पता ही है ना, उसके अंदर ये सारी चीजों को एज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके केस को एक इम्पोर्टेंस देते हुए वहां पर मैजिस्ट्रेट फिर उस हिसाब से ऑर्डर करता है, ठीक है, यानी पुलिस को इंटीमेशन कहिए,
ठीक है, इफ यू कॉल इंटीमेशन टू द पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ये भी कोई सही बात हो गई। ठीक है, दिस इज नॉट आउट ऑफ द सर्कल व्हाट आई एम टॉकिंग हियर। ठीक है, आपने यहाँ पर तीन चीजें सीखी, क्या मैजिस्ट्रेट एब्सेंट होता है तो क्या, पुलिस वाला एब्सेंट होता है तो क्या, अगर आपको एनसी करवानी पड़ती है पुलिस वाले से तो क्या। ठीक है, पूरा ब्रॉडकास्ट मैंने इंक्लूड्स को लेकर आप लोगों को बता दिया। ओके, एम आई क्लियर? आई थिंक 100% आई एम क्लियर। ठीक है, चलिए। प्लेस प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड अ वेसल। अब ये जो है सीआरपीसी से उठाकर पूरा कॉपी पेस्ट किया है, यानी यहाँ पर देखो हाउस ट्रेसपास की बात हो गई, बिल्डिंग में हो गया, टेंट में हो गया, व्हीकल में हो गया, जो भी चीजें हो गई, तो जगह को इन्होंने क्लियर कर दिया कि प्लेस का मतलब होता है घर, घर का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग टेंट भी हो सकती है, जगह व्हीकल भी हो सकती है, वेसल भी हो सकता है। ठीक है ना, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट। देखो जो भी रिपोर्ट होती है, पुलिस जो भी करती है, तो वो मैजिस्ट्रेट को उसको फॉरवर्ड तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड नहीं करेंगी, आप लोगों को पता है, मैंने आपको केस डायरी के भी बारे में बताया है कि पुलिस वालों को जो भी नोट डाउन करते हैं वो अब उन्होंने टाइम फ्रेम सेट कर दिया है, पहले क्या है काय के लिए देने का, बाद में देखेंगे, तो 1 वीकेंड का जो टाइम है कि उनको एवरी वीकेंड जो है वो जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो भी उनकी डायरी होती है, उनको वो मैजिस्ट्रेट जो उनके लोकल एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन के आते हैं उनको ये फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, चलो। पुलिस स्टेशन मींस एनी पोस्ट और अ प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप बोलेंगे गली नुक्कड़ पर हर जगह जगह आप लोग पुलिस चौकी स्टेशन बिल्कुल देखते ही होंगे, है ना। चौकी क्या होती है, स्टेशन क्या होती है? चौकी का मतलब होता है जहां पर छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं ना, ये वो, उसको लेकर जैसे नजदीकी एरिया के अंदर। स्टेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर बाकायदा सारी चीजें होती है। ठीक है, देखो, मीन्स अ पोस्ट और अ प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, आप लोगों को क्या लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट फ्री फंड में बैठी है क्या, हर एरिया को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे पुलिस चौकी होगी, यहाँ पे पुलिस स्टेशन होगी? जनरली ये जो होता है ना, एरिया वाइज डिसाइड होता है, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं तो वो सब चीजों को स्टेट गवर्नमेंट देखती है, उनका पूरा लॉजिकल वो सब निकालने के बाद में डिसाइड करती है कि ये लोकल एरिया के अंदर ये स्टेशन। अभी एरिया वाइज जो अगर मैं कहूँ, बॉम्बे कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े में ईस्ट बॉम्बे, वेस्ट बॉम्बे, साउथ बॉम्बे, तो यहाँ पर जो भी सिचुएशंस होती है अकॉर्डिंगली रजिस्टर होते हैं केसेस, है ना, जिसको लेकर मैंने आप लोगों को ज्यूरिसडिक्शन कहा कि अब तो चलो जीरो एफआईआर हुई है, सुख किस बात का है आपको, जीरो एफआईआर का आपको ये है, वहां पर भी जीरो एफआईआर होने के बाद में भी तो ट्रांसफर ही होगी ना उस पुलिस वाले के पास। यानी एक पत्नी जो होती है अपने मायके में भाग जाती है, चली जाती है, जैसे भी आप समझ के चलिए, तो समझिए कि अगर पति जो है वो पूना में रह रहा है, पत्नी जो है वो इलाहाबाद में रह रही है, ठीक है, अब पत्नी जब यहाँ पे थी तो उसने पूना में केस लगाया था, अब चली गई वो इलाहाबाद, तो उसने क्या किया, हाई कोर्ट से परमिशन लेते हुए उस केस का ट्रांसफर पिटीशन लगा दिया, कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो यहाँ पर पुलिस वालों को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, वही चीज, लेकिन ट्रांसफर इसमें पिटीशन। ट्रांसफर अंडर स्टेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना मैम, हाँ, अदर यस, स्टेट जाएगा तो अदर स्टेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सेम स्टेट जी होगा तो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट यस जाएगा। यस मैम, यस यस यस, बता रही हूँ, आ रही हूँ उसपे। कोई ना,
चलिए ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपको 0 FIR का मतलब आप लोग खुश हो रहे हैं सोच के कि 0 FIR तो हो जाएगी, लेकिन वो 0 FIR को वो लोग करेंगे क्या, अचार डालेंगे क्या उसका? नो नॉट एट ऑल, दे आर सपोज टू ट्रांसफर इट, क्योंकि उनको रख के उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, है ना? तो यहाँ पर आपने पुलिस स्टेशन देखा, फिर आपने ट्रांसफर सुना, आपने यहाँ पे ट्रांसफर पिटीशन भी सुन लिया, और लोकल एरिया को भी मैंने स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर लिया। चलिए, अरे वाह, पीपी साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखिए, वैसे तो इनके जो सेक्शंस है वो चेंज हो चुके हैं, आगे जैसे आप चलोगे, एनी पर्सन एक्टिंग अंडर दी डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये पीपी साहब जो होते हैं, इनका काम क्या होता है? एक्चुअली इन्हें गवर्नमेंट लीडर कहा जाता है, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? तो मैं 100% ठीक कह रही हूँ, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है क्या? हाई कोर्ट के अंदर, मैंने तो चलो ये डेफिनेटली कह दिया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ गवर्नमेंट लीडर, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है क्या? यस मैम, यस मैडम, होता है ना मैम, होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक अटॉर्नी प्रोसिक्यूटर, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज द करेक्ट आंसर। ही इज नॉट कॉल्ड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एज अ ट्रायल कोर्ट। यानी अगर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने उसे पीपी कहेंगे, सेशन कोर्ट के सामने पीपी कहेंगे, है ना, लेकिन आप इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हाई कोर्ट में पीपी करके नहीं बुलाएंगे, ही विल बी कॉल्ड एज, और शी विल बी कॉल्ड एज अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंगली ये डिफरेंस था, यहां पर मैंने आपको ओपन कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है, और ये बनता कैसा है? आप लोगों को ये भी पता है कि जो एग्जाम्स देने के बाद में हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेकर एग्जाम्स देने पड़ते हैं ना, ऐसे तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकते हो, गवर्नमेंट लीडर नहीं बन सकते हो, है ना। फॉर दैट यू नीड टू गिव एग्जाम्स, हर स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, और यूपी वाले तो इस एग्जाम्स को देने के लिए डायर हार्ट फैंस होते हैं। उत्तर प्रदेश वालों की मैं स्पेसिफिक बात कह रही हूँ, महाराष्ट्र के भी अंदर है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि नहीं, लेकिन महाराष्ट्र वाले बहुत थके हुए हैं कि अरे हाँ ठीक है, चल रहा है, पैसा निकल रहा है, ठीक है। लेकिन यूपी वाले होने दीजिए, बिहार वाले होने दीजिए, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू गिव दिस एग्जाम, ओके। तो यस मैम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेकर आपको कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, जिनको इंटरेस्ट होगा मुझसे पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। इस पब्लिक यूपी प्रोसिक्यूटर का वाले हैं, यूपी मतलब वाले होता हैं, है, हाँ जी हाँ जी, यूपी वाले हम हैं। हाँ तो यूपी वाले तो तुमको पता ही होगा ना, एपीओ का एग्जाम नहीं देते क्या? हाँ, सहायक अभियोजन अधिकारी, असिस्टेंट प्रोसेक्शन हाँ नोटिफिकेशन करेक्ट, ऑफिसर। हाँ, बिल्कुल, एपीओ एग्जाम्स इसमें को लेकर, हाँ जी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आएगा इसमें, रिपोर्टिंग हाँ बिल्कुल, इसमें कंट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट्स और वही आते हैं बस, उतना कुछ यूपी खास यूपी आता नहीं है। यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1961 आएगा, और यूपी एक्ट आएगा 1918 सेक्शन, और रेगुलेशन भी आएगा, दोनों आएगा। वो तो हर साल का पेपर मैं करवाती हूँ, तो मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगी जिनको चाहिए, ठीक है। चलो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ड्यूटी क्या होता है कि पुलिस वाले के जगह पे आर्ग्यू करना, ठीक है। FRI तो पुलिस वाला बोलेगा क्या? नहीं ना, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होंगे ये आर्ग्यू करेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने, ये विटनेसेस को लेंगे, है ना, ये चीफ लेंगे, तो उसके बाद ये सब जो चीजें कंडक्ट होती है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब करते हैं, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं ना, वो काफी हद तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रेस्पेक्ट करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि दोनों ही एक जैसे एक ही थाली के होते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए मैम, क्यों रेस्पेक्ट होती है, ठीक है। सरकारी वकील थार जाते हैं क्योंकि सरकार पैसा देती है। हाँ, इस वही तो मैं कह रही हूँ ना, आप समझ ही नहीं रहे हो, सरकार पैसा देंगी तो रिस्पेक्ट तो होगी ना उनकी, ठीक हाँ, है। इसलिए चलिए, थार, लेकिन हम कितना हाँ ही आ रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, समझे हम आपको।
ठीक है, चलिए। सब डिवीजन मींस अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। अब मैं आपको बताऊं क्या डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की जो यहाँ पे बात की जा रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमारे यहाँ पे हवेली जो है वो डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो जो एरियाज होगी उनकी उनकी डिस्ट्रिक्ट होती है। अब आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, आपके यहाँ भी तो आपकी स्टेट डिस्ट्रिक्ट तो होगी ना, है ना? फिर आप केस कैसे फाइल करोगे, है ना? या फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी, अभी देखो मैं आपको एक जनरल बात बताती हूँ, ठीक है? आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है वो आपको रजिस्टर करवानी है। प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है क्या? नहीं। नहीं, प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी की डील होती है, वो सब चीजें जो है हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रजिस्ट्रार के पास जाके उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते हैं। एग्जाम्पल गिफ्ट डीड अगर मैं कहूँ, ठीक है, गिफ्ट ऐसी बड़ी बात है कि चलो मेरा दिल कर रहा है कि मैं रीना मैम को अपना बंगला लिख के दे दूँ, ठीक है? रीना मैम रह रही है समझो बॉम्बे में और मैं रह रही हूँ अलाहाबाद में, ठीक है? अब मेरी नहीं डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट में आएगी। प्रॉपर्टी किधर की है? रीना मैम कहाँ के हैं? इलाहाबाद की अलाहाबाद की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रिक्ट होगा, यानी कि जो एरिया में जो प्रॉपर्टी है उसी डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी वहां पे रजिस्टर होगी, ठीक है? यस मैम लेकिन अगर हम कहें गिफ्ट डीड को हम कहीं पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, गिफ्ट एक डीड सौ को बाईस हाँ हम कहीं पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप इलाहाबाद में रहिए तो भी हो जाएगा, आप पूना में आइए तो भी हो जाएगा, जहां पे भी आप रह रहे कहां पे भी आप उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन दूसरे अगर मैं डॉक्यूमेंट्स कहूँ, जैसे एग्रीमेंट टू सेल हो गया, सेल डीड हो गया, एनी अदर डॉक्यूमेंट जिसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो वही डिस्ट्रिक्ट में होगा जहां पर वो प्रॉपर्टी होगी। तो इसे कहते हैं सब डिविजन। ओके, चलिए ना, समन्स केस वेरी सिंपल। समन्स केस जो होता है जहां पर समन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो वारंट केस नहीं होता है, ठीक है? तो मैं आपसे ये कहूं कि सर जो समन्स केस में सिर्फ समन्स आ गया उसे समन्स केस कहते हैं, और वारंट में जिसे वारंट आ गया उसे वारंट केस कहते हैं, तो ये गलत फहमी में मत चलना। समन्स केस का मतलब होता है जो कि केसेस छोटे होते हैं जहां पर ऑफेंस बड़ा नहीं होता है, ठीक है? उसे कहते हैं समन्स केस, ठीक है? वारंट केस के अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं वो ऑफेंसेस जो होते हैं वो हीनियस नेचर के होते हैं। हीनियस यानी बड़े ऑफेंसेस, ऐसे कहूं तो बिल्कुल सही बात है, वारंट केस में हीनियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, और समन्स केसेस में जहां पर आपके केसेस को इतना बड़ा माना नहीं जाता है, दैट इज कॉल्ड एज समन्स केस एंड वारंट केस, ठीक है? यहाँ पे केस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? समन्स ट्राइबल केस के बारे में की जा रही है, वारंट ट्राइबल केस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? आप वो मत पकड़ के चलना कि जहां पर आपको समन्स आते हैं वारंट आता है, वो दोनों अलग अलग बात है। यहाँ पर आप खुली आंखों से देखो, यहाँ पर समन्स केस के बारे में बात की जा रही है, वारंट केस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? यहाँ पर समन्स भेजना, वारंट आना, उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है, ठीक है? विक्टिम, अब ये जो विक्टिम होता है, आप लोगों को अगर आपने एलएलएम किया है तो विक्टिमोलॉजी जैसा आपको एक बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट तो मैं कहूंगी, और प्लस में आपको जैसे पेनोलॉजी हो गया, विक्टिमोलॉजी हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, इसको तीनों साथ में ही पढ़ा जाता है, तो दिस इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ द एलएलएम टू बी डिस्कस। मैं आपको विक्टिम कहूँ, राइट्स क्या होते हैं विक्टिम के, विक्टिम कौन होता है, विक्टिम को किस प्रकार की तकलीफ होती है, और विक्टिम को क्या देना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे यहाँ पर विक्टिम से हाथ छुड़ाती है, अपना पलड़ा झाड़ती है, वो है विक्टिम, ठीक है? यहाँ पर तो आप देखेंगे कि विक्टिम वो पर्सन होता है जिसे लॉस सफर हुआ है, इंजरी हुई है किसी प्रकार की, ठीक है? जहां पर अक्यूज पर्सन
देखिए आप कॉज बाय अ रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स द गार्डियन और लीगल हेयर ऑफ अ सच विक्टिम। देखो लीगल हेयर का विक्टिम से क्या नाता है, गार्डियन से क्या नाता है? आप देखिए कि रेप केसेस के अंदर जो छोटी बच्चियां होती है 10, 12, 13, 14, 15 साल की, 16 साल की, ठीक है, वो जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, तो उन्हें वो ही तो विक्टिम होती है। क्या उन्हें ये वही इंजरी नहीं पीड़ित हुई है? ये क्या वही उन्हें है लॉस नहीं हुआ है? क्या उन्होंने तकलीफ नहीं ये। सहन की है? तो क्या वो गवर्नमेंट से पैसा लेना खुद जाएंगी या उनके गार्डियन जाएंगे? बिल्कुल गार्डियन जाएंगे, है ना? अगर खुदा ना गार्जियन खास, समर्थक यस, अगर खुदा ना खास उसमें से वो बच्ची का इंतकाल हो जाता है या बच्ची मर जाती है, वही बात मैं दोनों उस हिसाब से कह रही हूँ, है। ठीक है, तो वो बच्ची का जो लीगल हेयर होंगे क्या वो विक्टिम नहीं होंगे? डेफिनेटली यस। ठीक है, यहाँ पर तो विक्टिम को लेकर बहुत छोटी सी बात की गई है, लेकिन मैं आप लोगों को राइट्स ऑफ विक्टिम को लेकर एक अच्छा सा ये ले लूंगी, ठीक है, वैसे तो पहले भी लिया है मैंने, फिर भी मैं आप लोगों को वो चीज बताऊंगी ना। यहाँ पर वॉरंट केस जो होते हैं वो केस होते हैं जहां पर ऑफेंस पनिशेबल होता है विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। यानी यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए, समन्स केस 2 साल तक, एक्सीड 2 साल वॉरंट केस, ठीक है, प्री का क्वेश्चन होता है, डेफिनेटली होता है। अब वॉरंट केस में आपको इतना तो समझ में आ गया कि हीनियस नेचर ऑफ क्राइम, जैसे मर्डर हो गया 100%, रेप हो गया 100%, है ना? तो ये जो क्राइम्स होते हैं, तो डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिसमें सजा होती है, या फिर एक्सीडिंग 2 ईयर्स की सजा होती है, वो हो गया वॉरंट केस, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ना आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज योर इन नॉट डिफाइन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड द भारतीय न्याय संहिता टू एनशर बी द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम एंड एक्ट एंड संहिता। अब यहां पर है ना कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो यहाँ पर डिफाइन नहीं किए गए हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि इनफैक्ट यहाँ पर आईटी एक्ट को चेंज करते हुए आप इन लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर साइबर लॉ लाना चाहिए था, लेकिन क्या ही कर जी सकते हैं, इनको चेंज करने जमा ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं, तो मैं इनको बताती यहाँ यहाँ ये चेंजेस करो, मैं तो छोड़ो दुनिया बता सकती है मैं कौन होती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों को साइबर लॉ के अंडर लेना था। आप लोगों को 100% पता है कि अब मोस्ट ऑफ द क्राइम्स जो रजिस्टर होते हैं दैट इज अंडर द सेक्शन ऑफ साइबर लॉ। क्या हो जाता है, बैंक का अकाउंट फ्रीज किया जाता है, ठीक है, एक साइबर कंप्लेन और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज, एक साइबर कंप्लेन आपके ऊपर रजिस्टर एफआईआर, एक साइबर कंप्लेन यू आर इनटू अ बिग मैस ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने अभी भी इंफॉर्मेशन एक्ट, टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को छोड़ के क्यों रखा है, जबकि हम यहाँ पर साइबर लॉ 2013 को लेके इन्वेंट कर सकते थे, फिर भी इन्होंने वही चीज रखी है। तो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि जो उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, तो भाई इसको समझ के चलना, और भारतीय संहिता के अंदर जो भी उसकी मीनिंग होगी उसे वैसे ही लिया जाएगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, ये पूरा ही चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा जस्ट फ्यू मिनट्स, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मैजिस्ट्रेट विदाउट क्वालिफाइंग वर्ड्स, द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, द मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास शाल। मैं आप लोगों को हमेशा कहा है कि शाल का मतलब जो होता है मैंडेटरी कंपल्सरी होता है, ठीक है, मे कब आता है और शाल कब आता है, हम जब संहिता के अकॉर्डिंग जो हमारा साक्ष्य बिल है, ठीक है, उसे हम देखेंगे, तो आप लोगों का जो ये सब कंफ्यूजन है क्यों यूज किया जाता है वो वहीं का वहीं एंड अप हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस में इन्होंने फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को बताया है, ठीक है। सेकेंड क्लास का ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट होता है उसको क्या करना होता है,
पता है मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, खुलेआम बताती हूँ। सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट जो है, जो कि ऑफिसर है, मुझे ये बोला जाता है कि मेरे पास इतने बड़े केसेस आए। तो मैंने कहा भाई तुमको तो जजमेंट देनी नहीं होती। बोला हाँ मुझे तो कोई जजमेंट देनी नहीं होती। तो करते क्या हो एज अ सेकेंड क्लास ऑफिसर, तुमको काम क्या होता है उधर बैठ के करने के लिए? कुछ नहीं, लोगों का मैटर देखते हैं, सॉल्व करते हैं और बस उतना ही करते हैं। क्योंकि उनकी जो जुडिशियल पोस्ट होती है उनको लॉक करके बैठती है, यानी जितना बोला जाए उतना ही काम करना, इससे ज्यादा तुम लोगों को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारा जो डेजिग्नेशन है, तुम्हारी जो पोस्ट है, वो है सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट। तो डू दैट वर्क ओनली गिवन टू यू, डोंट एक्सीड वॉट यू आर नॉट सपोज टू डू। ओके, चलिए। वेर एनी अदर लॉ अंडर दिस संहिता फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय द मैजिस्ट्रेट रिलेट टू द मैटर्स। अब देखो यहाँ पर है ना, इन्होंने संहिता के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन सब चीजों को रिलेट करते हुए ये बताया कि विच इन्वॉल्व द एप्रिसिएशन, शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस और फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन विच एक्सपोजेस एनी पर्सन टू अ पनिशमेंट और पेनाल्टी और डिटेंशन इन द कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, और वुड हैव टू एन इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम टू फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता बी एक्सरसाइजेबल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहां पर एविडेंस को शिफ्ट करना है या कोई डिसीजन देना है या फिर कोई पनिशमेंट देनी है, पेनाल्टी देनी है, जेल भेजना है, कस्टडी अगर उसकी पेंडिंग है जिसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंक्वायरी करनी है, ट्रायल करना है, तो ये सब चीजें जो होगी, अब जो होगी वो संहिता के अकॉर्डिंग जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है फर्स्ट क्लास, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JMFC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज इक्वल्स टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ पर दोनों डिस्क्राइब्ड है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेक्शन ठीक है। सिक्स अब मेरे को पूरा करने दो, फिर आप जो भी क्वेश्चन होगा मैं लेती हूँ आपका, है ना। सेक्शन सिक्स भी लेती हूँ। विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव इन नेचर, सच एज द ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस, सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ अ लाइसेंस, सैंक्शनिंग और प्रोसिक्यूशन और विदड्रॉइंग फ्रॉम अ प्रोसिक्यूशन, दिस शैल बी द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए बाय एक्सरसाइजेबल बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के अंदर पुलिस आती है क्या? ईएम साहब का काम क्या होता है? कमिश्नर आता है क्या? रेवेन्यू वाले आते हैं क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के अंदर? यस 100% आते हैं, क्योंकि लाइसेंस की जो बात है, ये सब जो रेवेन्यू प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करता है। इसके हिसाब से आप लोगों को पता है ना कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने लॉकडाउन के टाइम पर, आप लोगों ने सुना होगा ना कि ऑर्डर्स पास किए गए थे, एक्सटेंशन ऑर्डर्स थे जो हमारा लॉकडाउन इंक्रीज हो गया था, है ना। पहले तो हमने बड़े मजे किए, फिर जब हम घर में जेल होके बंद होके बैठे थे तो हम बिल्कुल लोगों को बिल्कुल लग रहा था कि कहाँ जाए, है ना। तो दीज आर द प्रोसीडिंग्स विच यू आर सब अकॉर्डिंगली हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे। दिस इज जस्ट अ पार्ट, ओके। नाउ ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉस, ऑल ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्रायल और अदरवाइज डेल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई अब तो तुम सीआरपीसी तो रिपील हो गया भैया, अब तो ये चले गया हमारा देश छोड़ के। हमारे देश के अंदर अगर एक नारा होगा तो वो होगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक, उन उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को किया जाएगा और जो उसमें कंटेन करेंगे प्रोविजंस उसके अकॉर्डिंग ही हमारे लॉ को फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अगर इनको कोई चेंज चाहिए या कोई रिक्वायरमेंट है तो उसकी रेफरेंस जो होगी वो एनएक्ट पास करेंगे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोर्ट। तो देखो यहाँ पर टू अ मैजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास, ठीक है, शैल बी कंस्ट्रूड, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इसे जो रेफरेंस दिया गया है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही दिया गया है एज पर दिस संहिता,
ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि सेकेंड और ऑफ द थर्ड क्लास शैल बी कंस्ट्रूड और रेफरेंस टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, यानी थर्ड क्लास जो होगा ना वो सेकेंड क्लास के इसमें आएगा। ओके okay? सैमसंग अपने माइक्स को ऑफ रखने के लिए भी हमें कष्ट होता है ना। चलो चलो, टू अ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉन्स्टिट्यूड एज अ रेफरेंस रेस्पेक्टिवली टू अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। हम लोगों को तो पता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनकी ड्यूटीज क्या होती है, कौन से स्टेट्स जो है उन्हें उन्होंने मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, हम लोगों को पता है। मैंने उस दिन आपसे कहा था टू एनी एरिया इन विच इंक्लूडेड द मेट्रोपॉलिटन एरिया रेफरेंस टू मेट्रोपॉलिटन एरिया। मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकेंड क्लास इन रिलेशन टू सच एरिया शैल बी कॉन्स्टिट्यूड। अब यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन ज्यूरिसडिक्शन जो है वो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को दे दी गई है। ओके चलो, यानी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स को हटा दिया गया है क्या? ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, हियर आई एंड द चैप्टर। बेसिकली मैंने स्टार्ट से आपको जो लिया है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ओवर। फिफ्थ इज सेविंग, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट टू बी डिस्कस्ड। ओके, तो फर्स्ट फाइव सेक्शन जो है हमारे चैप्टर प्रिलिमिनरी वन के, वो मैंने आपको कंप्लीट थरर डेफिनेशन देते हुए और ईच एंड एवरी पार्ट को डिस्कस करते हुए मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। इफ देर इज एनी कंफ्यूजन और इज देर एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क।